हेलो एवरीवन, आज हम 14th वर्कशीट करेंगे इंग्लिश की क्लास 8th की। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेसन सुनामी। तो डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? क्या आपको लगता है कि सुनामी इन प्लेसेस को हर्ट कर सकती है, यस या नो लिखें। तो हिली एरियाज सच एज शिमला कर सकती है इट? सो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हिली एरियाज है तो सुनामी नहीं आएगी, नो। अब यहाँ पे प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकती। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, नहीं आ सकती। और सी कोस्ट सच एज मुंबई, यस आ सकती है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे 26 और 27 बुक हनीड्यू का। अलमस जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड, एक बच्चा था अलमस जावेद 10 साल का। शी वॉज अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थी ऑफ कैरमल कन्वेंट इन पोर्ट बेयर, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। उसके जो फादर थे उनका एक पेट्रोल पंप था, और वो एक स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल का जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोरवे आइलैंड, उनकी जो राहिला था, उनकी जो मदर थी राहिला, उनका घर नैनकोरवे आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, सभी लोग वहाँ गए थे क्या मनाने, क्रिसमस। वेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह ट्रिमर्स आए, ट्रिमर्स माने झटके लगे जोर जोर से, तो सब जल्दी से आ गए। पर द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली जो थी उनकी स्लीप कर रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, उनके पिताजी ने क्या देखा, अलमा के पापा ने क्या देखा, जो पानी है वो पास आता जा रहा है। ही अंडरस्टूड, उन्हें पता चल गया दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि वाटर जो है वापस आएगा बहुत जोर से और एक सुनामी लाएगा। ही वोक एवरीवन, उन्होंने जल्दी जल्दी सबको उठाया और कहा कि किसी सेफ प्लेस पे चलो। एज दे रैन, वो भागते गए, हर ग्रैंड मदर वॉज हिट ऑन द हेड, उनकी ग्रैंड मदर को सिर पे चोट लग गई किसी चीज से और वो नीचे गिर गई। हर फादर रश टू हेल्प हिम, तभी उनके फादर उनकी मदद करने आए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, और तभी पहली वेव आई जिसमें दोनों ग्रैंड मदर और फादर चले गए, बह गए। अलमाज मदर, अब अलमा और मदर थी और उनकी आंट्स जो थी वो क्लिंगिंग थी, क्या कर रही थी, खड़ी हुई थी क्लिंगिंग करके। क्लिंगिंग मतलब क्या होता है, क्लिंगिंग मतलब होता है कि कोई चीज़ पकड़ कर खड़े होना। उन्होंने कोकोनट ट्री की लीव्स पकड़ के खड़ी थी और किसी को बुला रही थी बचाने के लिए, तभी वेव ट्री के ऊपर से आती है और अलमा की मदर और आंट भी बह जाती है। अलमा सोआ लॉग ऑफ वुड, अलमा को एक लॉग मिलता है, एक लकड़ी का गट्ठर सा मिलता है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ जाती है और उस पर चढ़ते ही वो बेहोश हो जाती है, और जब उठती है वो देखती है एक हॉस्पिटल में है कमरोटा के। फ्रॉम देयर शी वॉज बोर्ड टू द पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, वो ज़्यादा किसी से नहीं बोलती, अब वो किसी से उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करती। शी वॉज स्टिल इन ट्रेमोटाइज्ड, और वो अभी तक उस बात के सदमे में है, उसके दिल में बहुत बड़ा घाव हो गया है। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब क्वेश्चंस, नाउ सीक्वेंस द इवेंट, अब आपको इन इवेंट्स को सीक्वेंस में लिखना है पैसेज से देखकर। राइट द करेक्ट सीरियल नंबर, करेक्ट सीरियल नंबर लिखे। तो पहले क्या आई थी, पहले हुआ था हमारी वेव्स, उसके बाद सब लोग बह गए, और फिर तीसरे में अलमा हॉस्पिटल चली गई। तो आप इस तरह से करेंगे। अब डी, आपको सही ऑप्शन चुनना है। व्हाई डिड अलमास फादर वेक अप हिज फैमिली, टू रश देम इन अ सेफर प्लेस, उन्हें एक अच्छी सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या आ चुकी थी, सुनामी। अब अलमा डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक, अलमा नहीं टॉक बोलना चाहती थी अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि शी वॉज शॉक्ड, वो बहुत ही सदमे में थी कि उसकी सारी फैमिली जो है
वो उसमें ढह गई और मर गई। अल्मास मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेफ फ्रॉम द सुनामी बिकॉज द ट्री दे हैड ऑन टू गेट अप रूटेड, वो ट्री भी बह गया था। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।